हेलो फ्रेंड्स, कीवा क्रिएशन चंद्रपुर से मैं रोहन शाह। आज आपको मैं फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ लैनियर्ड किस तरीके से फुल प्रिंट होती है एंड सेटिंग। आप ये देख रहे हो 200 सेल्सियस पे है और यहाँ पे एक्चुअली ये है 60 सेकेंड्स का सेटिंग। ये मशीन धीरे धीरे जैसा अभी 25-26 पे है वैसा ये 200 तक जाएगा, तब ये फुल मशीन हीट हो जाएगा। यहाँ पे इस मशीन के रोल्स रहते हैं, ये डाई है, ये 20 mm की है, इसमें एक मेरे पास जो है 12 mm की भी है, 16 mm की भी है। 12 mm में इसमें 11 लैनियर्ड एट ए टाइम प्रिंट हो रहा है। ये यहाँ से फर्स्ट लॉट यहाँ से प्रिंट होके फिर इस रोलर से इसको घुमाने पे ये रोल आगे सरकेगा, सेकेंड लॉट आएगा। इस तरीके से ये पूरा लैनियर्ड का मशीन चंद्रपुर में सेट है। मेरे पास ये 24 इंच इप्सन का सब्लिमेशन प्रिंटर है F530। बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट होता है, बहुत फास्ट होता है। जिनको भी डाउट है कि वो प्रिंट स्लो करता है या छोटा टैंक है, मुझे आज 2 महीना हो रहा है ये प्रिंटर लेके, मुझे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं गया है। उसके बाद ये इस टाइप का, इस प्रिंटर में इप्सन का ओरिजिनल इंक रहने से इसका प्रिंट होता है थोड़ा सा लाइट। ये वाइट बैकग्राउंड में है, थोड़ा ये प्रिंट आउट निकाल के रखा है मैंने, 50 लैनियर्ड्स का कुछ रोल प्रिंट एक साथ करके रखा है मैंने। उसके बाद अपन इसको हीटिंग मशीन, जब आपको जो अभी दिखाया है वो हीट होने पे इसको अपन वहाँ लगाएंगे, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जैसे ही वो हीटिंग हो जाती है। ये देखिए मशीन 200 पे पहुँच गया है अपना लैनियर्ड। ये इस तरीके से यहाँ से होते हुए अंदर जाता है इसके। अब यहाँ पर एक आपने देखा है नीचे पेपर लगा दिया हुआ है प्रिंट का, ये एक दूसरा पेपर है लैनियर्ड का, इसको अपन इस तरीके से इसके ऊपर बिछाते हैं। यहाँ आपको ये चेक करना है कि आपका जो डिजाइन है नीचे का और ऊपर का, ये दोनों सेम हो, यानी यहां से ये पूरा मैच होते हुए यहां पे मैच होना है, यहाँ पे भी मैच होना है। उसके बाद एक चीज है, ये सादा अपना नॉर्मल स्टेपलर से ये पेपर हिलना नहीं चाहिए करके इस तरफ एक स्टेपलर दूसरे तरफ दूसरा स्टेपलर, ऐसे चारों तरफ स्टेपलर मारना है। दूसरे तरफ भी आप एक बार वो डिजाइन कंफर्म कर लीजिए।
और इसको स्टेपलर करके अब देखिए आप इस मशीन को जैसे ही अपन प्रेस करेंगे आपको 60 सेकंड्स अभी 16 सेकंड होने के बाद आपको इंप्रेशन बता ये देखिए ये पूरा है इसके बाद इस मशीन को उठाने के बाद अब आप देख सकते हैं क्वालिटी आपने पहले प्रिंटआउट देखा होगा उसी का प्रिंटआउट भी दिखा देता हूँ पूरा वहाँ ट्रांसफर हो गया है और अपना लैनियर कंप्लीट है नो डिफेक्ट सिंगल हैंड प्रिंट ए नंबर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको बताना है पेपर दोनों भी सरका लीजिए उसके बाद सिंपल इसको नॉब लूज करना है और इसको पुल यहाँ एक लगने के लिए रेडी थैंक यू वॉचिंग कीवा क्रिएशंस वीडियो